हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग जो है चैप्टर 1 ये रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं। इसमें हम लोग ने पिछले वीडियो में काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर इसके विषय में सीखा, और 1 से लेकर के 10 तक, 9 तक उसमें दिया था हम लोग ने, 10 तक जो नंबर थे उसको वर्ड में राइट करना और फिगर में राइट करना ये सीख लिया, और ये समझ लिया कि जो है काउंटिंग नंबर क्या होते हैं और या फिर आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं। दोनों सेम है, दोनों एक ही का नाम है। और इस मामले से नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर क्या होता है इसको भी हमने जाना, और उसके बाद ग्रेटेस्ट काउंटिंग नंबर या नेचुरल नंबर क्या होते हैं इसके विषय में हम लोग ने समझा। नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कहाँ एंड होती है, ये सब हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, समझा था। आज हम लोग जो है वो जो नंबर हम लोग पढ़ रहे थे, नंबर 1 to 9, उन्हीं नंबरों का कंपेरिजन करना सीखेंगे। ठीक है, कि नंबर कौन से नंबर बिग होते हैं, कौन से नंबर इस्तेमाल होते हैं, बिग के लिए कौन सा सिंबल होता है और स्मॉलर के लिए कौन सा सिंबल होता है, और या दोनों इक्वल है, बराबर है, तो उसके लिए कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। आइए बच्चों, नंबर ऑफ कंपेरिजन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ हम लोग सिंबल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंपेरिजन ऑफ नंबर COMPARISON ऑफ नंबर इज एन इसेंशियल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स कंपेरिजन ऑफ नंबर, जो कंपेरिजन ऑफ नंबर होते हैं इज एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इसका अहम भूमिका होता है बच्चों। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि कौन सा नंबर बिग है, कौन स्मॉल है, कौन इक्वल है, तब तक मैथमेटिक्स में आप जो है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए नंबर का जो तुलना करना होता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये आपका महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आइए इसको देखते हैं बच्चों कि इसके क्या सिंबल होते हैं और इसकी मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ आप देखेंगे सिंबल, यहाँ आप देखेंगे SY MBOLF सिंबल और मीनिंग। सिंबल को यह देखिए इस तरीके के आपको सिंबल दिखेंगे, इस तरीके ये सिंबल आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन बड़ा या बड़ा है।
दूसरा भी बनाते हुए यहां पर किसी का जैसे पुलिस इस तरीके से इसको लिखेगा एक स्मारक है, एक किसका सिंबल है, एक स्मारक है या लेस है। लेस साइन भी करते हैं, स्मारक साइन भी करते हैं इसको। और अगला सिंबल आते हैं इक्वल टू, सिंबल है। आप समझ गए यहाँ पर कि पहला नंबर
आइए बच्चों इसको जो है हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि नंबर का कंप्लीशन हम कैसे करते हैं इस नंबर के थ्रू। यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहां पर नंबर है, यहां देखेंगे आईसीसी और सेल्स में अपने आईसीसी और सेल्स से ठीक पहले आप देखेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का यूज कैसे हुआ है। यहां देखिए इस तरीके से मान लीजिए बॉल बना हुआ है, बॉल है, बॉल है, ये आपका बॉल है, ये एक ग्रुप है बेटा, क्या है ग्रुप है, और इसी तरीके से यहां भी बॉल बना हुआ है, ये भी बॉल है, ये भी बॉल है, यहां भी ग्रुप बना हुआ है। अब इस वाले बॉक्स में आपको सिंबल ठीक करना है, आपको बताना है ए वाला ग्रुप बड़ा है या बी वाला ग्रुप, कौन सा एक्चुअली ग्रेटर देन है, इस ग्रेटर देन का सिंबल किधर को लगाएंगे, तो आप देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 1, 2, 3 ऑब्जेक्ट है, तो आप समझ सकते हैं बेटा ये 5 है, ये 3 है, तो 5 आपके ज्यादा है, अधिक है, तो इसलिए इस मोर देन यानी ग्रेटर देन का सिंबल क्या लगाएगा बेटा, इस साइड में, इस तरीके से, इस ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 3, आपस में यहाँ पर 5 इज ग्रेटर देन 3, इसी तरीके से आपके देख करके आप बता सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट मोर है, कौन सा ऑब्जेक्ट लेस है, तो ए वाला ऑब्जेक्ट जो है मोर है, इसलिए 5 इज मोर देन 3, आप इस तरीके से सोच सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं मित्रों, यहां पर जैसे मान लीजिए हम उसको 6 बॉय है या गर्ल और यहां पर है 8 गर्ल, तो इसका कंप्लीशन करना है आपको, तो आप देखकर बताएंगे कि 6 गर्ल मोर होंगे या 8 गर्ल, तो आप कहेंगे कि 8 गर्ल मोर होंगे, इसका मतलब कि 6 गर्ल क्या है लेस है, किससे 8 गर्ल से, तो यहां लेस है का आप जो है सिंबल लगाएंगे 6 गर्ल इज लेस देन 8 गर्ल, 6 गर्ल इज लेस देन 8 गर्ल। अभी देखिए लेस देन के लिए यहां मार्क बंद हो गया, इसका मतलब ये होगा जो समूह है या आपका ग्रुप है ये जो है छोटा है इस ग्रुप से, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, यहां पर जैसे देखिए सेवन बनाना यहां आपको ठीक करना है, यहां पर हो गया सेवन, अब आप देख रहे हो तो यहां भी सेवन बनाना है, यहां भी सेवन बनाना है, मतलब 7 के लिए यहां भी है, 7 के लिए यहां भी, तो दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो क्या पाएंगे, दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्वांटिटी में जो है आपका
सेवन बनाना इक्वल टू सेवन बनाना, ठीक है। अब उसी तरीके से यहां मान लीजिए हम लिखते हैं थ्री फोर ए और यहां पर लिखते हैं एट फोर ए फोर ए। तो आप देखें पता है थ्री ऑरेंज है ये आपके एट ऑरेंज है, थ्री ऑरेंज मोर होंगे कि एट ऑरेंज मोर होंगे, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि थ्री ऑरेंज लेस होगा या एट ऑरेंज लेस होगा, ठीक है। तो आप जानते हो कि थ्री ऑरेंज जो है कम होता है लेस होता है और इससे जो है एट ऑरेंज क्या हो जाएगा मोर होगा ज्यादा होगा, ठीक है। तो कहा थ्री ऑरेंज इज लेस देन एट ऑरेंज, अर्थात थ्री ऑरेंज जो है वो एट ऑरेंज से क्या है कम है लेस है, इसलिए यहाँ पर लेस देन का यूज करेंगे थ्री ऑरेंज इज लेस देन एट ऑरेंज, ये सी बात। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं फाइव एप्पल यहां पर लिखते हैं टू एप्पल, फाइव एप्पल एंड टू एप्पल। तो यहां आपके पास फाइव एप्पल है, ये फाइव एप्पल मोर होगा या टू एप्पल मोर होगा, एक जगह फाइव एप्पल रखा गया है दूसरे प्लेस पर आपको टू एप्पल रखे गए हैं, कौन वाला ग्रुप मोर होगा या अधिक होगा तो आप समझ सकते हैं बच्चों की जो फाइव एप्पल है वो अधिक है ज्यादा है और टू एप्पल वाला कम है थोड़ा है। तो फाइव एप्पल इज मोर देन टू एप्पल या फाइव एप्पल इज ग्रेटर देन एप्पल, आप यहाँ ग्रेटर देन या मोर देन का सिंबल लगाइए। इधर देखिए माउस खुल गया इसकी इधर का एक ग्रुप जो है बड़ा हो गया और इधर माउस बंद हो गया इसलिए इधर का जो ग्रुप है ये छोटा हो गया। अब आप एग्जाम्पल से समझ रहे होंगे बेटा किस तरीके से हम ऑब्जेक्टों का जो ग्रुप होता है उसमें कंपेयर कर सकते हैं या फिर नंबर का कंपेयर कैसे करते हैं। आइए ऐसे सी ओर से क्वेश्चन लिखते हैं उसको, यह पेज नंबर एट पर आप देखेंगे ऐसे सी ओर से आपका कंपेयर एंड पुट साइन इज ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल टू, जहां जो साइन आपको प्रॉपर है उचित है वहां पर वो साइन आपको पुट करना है रखना है। जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ था
क्वेश्चन देखेंगे हम, ये यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन राइट करके हैं, उसको दो पार्ट में लेते हैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ थ्री, यहाँ लिखा हुआ फोर। यदि थ्री ऑब्जेक्ट है आपके पास और दूसरे ग्रुप में जो है सेवन ऑब्जेक्ट है, पहले ग्रुप से थ्री ऑब्जेक्ट, दूसरे ग्रुप से सेवन ऑब्जेक्ट या वस्तु है, तो कौन सा मोर होगा, कौन सा लेस होगा? तो आप समझ सकते हैं बच्चों कि थ्री ऑब्जेक्ट वाला लेस हो जाएगा सेवन ऑब्जेक्ट वाले से, इसलिए यहाँ पर आप एक लेस देन का यूज करेंगे। आप समझ जाएंगे यहाँ पर कि जो नंबर छोटा होगा बेटा उधर का माउथ आप बंद कर देंगे और इधर का नंबर बड़ा होगा उधर माउथ उसका मुंह खोल देंगे, अपने आप को सिंबल लग जाएगा। जैसे इधर का बड़ा है तो हम मान लेते हैं इधर माउथ खोल देते हैं, इस तरीके से इधर का माउथ खोल देते हैं, तो ये सिंबल हमारा लग गया यहाँ पर ए, और इधर माउथ अपने आप बंद हो गया तो ये छोटा हो गया, इसको बोलेंगे थ्री ग्रेटर देन सेवन। क्या बोलेंगे बेटा? थ्री इज ग्रेटर देन सेवन। उसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं नाइन क्या है, लेस है, इसलिए क्या चीज है, सिक्स इज लेस देन नाइन, लेस और सिंबल सिक्स इज लेस देन नाइन। और यहाँ पर नंबर हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्या यहाँ पर देख रहे हो क्या, एट जो है क्या है, सिक्स क्या है, बड़ है, मोर है। अगर एट बनाना आपको दे दिया जाए अलग से और सी बनाना अलग से दे दिया जाए तो कौन आपको ज्यादा करेगा, तो आप कहेंगे कि एट वाला बनाना जो है अधिक है, अर्थात एट नंबर जो है सी से क्या होता है, इसका मोर होता है, अधिक होता है, इसलिए एट इज मोर देन सी। मोर देन मोर किधर होता है, अगर का माउथ आप ओपन कर दें, देखिए मुंह खुल गया इधर, तो एट हमारा क्या हो गया, बड़ा समझ गया, और सी की तरफ मुंह बंद हो गया तो सी क्या हो गया, छोटा इक्वल हो गया। अब यहाँ आप देखेंगे बेटा फोर है और फोर है, दोनों आप कंपेरिजन करेंगे तो सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो लिखेंगे फोर इज इक्वल टू फोर, फोर इज इक्वल टू फोर। इक्वल टू का साइन है, दोनों साइड में इक्वल मुंह खुला रहेगा, ये साइन इक्वल टू का होगा, या ये साइन क्या है, इज इक्वल टू। अब यहाँ लिखे टू, ये सेवन है, ये फाइव है, सेवन ऑब्जेक्ट अधिक होगा, सेवन वस्तु रखा गया है, सेवन इक्वल है मान लीजिए, सेवन इक्वल ज्यादा है या फिर फाइव है, तो आप बोलेंगे सेवन इक्वल अधिक होता है, तो जो अधिक होता है मोर होता है, मोर का मतलब ग्रेटर होता है, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, सेवन इज मोर देन या सेवन इज ग्रेटर देन फाइव, ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे, जो ग्रेटर नंबर है उस साइड में आप ये माउथ खोल देंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा फाइव और फाइव दोनों क्या है, दोनों एकदम सेम है, तो दोनों नंबर जब सेम है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइव इज इक्वल टू फाइव, फाइव इज इक्वल टू फाइव। इस तरीके से नंबर का आप कंफ्यूजन करेंगे, नंबर को आप कौन बड़ा है कौन छोटा है, आइए उसके इससे रिलेटेड जो है होमवर्क नोट करते हैं। होमवर्क नोट करेंगे यहां पर, केवल एक ही क्वेश्चन यहां पर,
दूसरा क्वेश्चन नोट करके पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 और यहां पर क्वेश्चन नंबर है ये दो क्वेश्चन है बेटा, आपको होमवर्क रूप में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और आप जो है ये ऐसे क्वेश्चन पेज नंबर 1 पर जो दिया गया है इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें चार क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है। इसके बाद जो है ये वीडियो में जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा यहाँ देखेंगे बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन, ये भी कंप्लीजन वाला ही है, ठीक है। इसके अनुसार जो है हम लोग नंबर का कंप्लीशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाकर बेटा एंड टेक केयर।